हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं एक बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाए थे या फिर ऑफलाइन, तो दोस्तों आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को यहाँ पर लेटेस्ट इग्नू की वेबसाइट पर 22 अक्टूबर को अपडेट कर दिया गया। साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो में बड़ी बात यह रहेगी कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके असाइनमेंट के मार्क्स को उनके ग्रेड कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स को यहां पे लेटेस्ट अपडेट किया गया है और साथ ही आपके मार्क्स को आपके ग्रेड कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया। साथ ही मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने असाइनमेंट के सबमिशन स्टेटस को चेक करेंगे और अपने ग्रेड कार्ड को चेक करेंगे। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टाइम पे इसी तरह के अपडेट्स, इसी तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे आप में से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी सेप्टेम्बर अक्टूबर में अपने टर्म एंड एग्जाम्स दिए हैं। दोस्तों, आपके रिजल्ट को यहाँ पर टाइम टाइम पर इग्नू की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, इसलिए आप टाइमली अपने रिजल्ट चेक करते रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस के लिए। आपको अपना असाइनमेंट का सबमिशन स्टेटस चेक करने के लिए इग्नू के इस वाले पेज पे आना होगा, जहाँ पे कि आप अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल सबमिशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एनरोलमेंट नंबर मैक्सिमम 10 डिजिट। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर ये कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे तो सिर्फ 9 डिजिट के ही इनरोलमेंट नंबर है, हम यहाँ पर 10 डिजिट कैसे लिखें। इसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 10 डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 9 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर है तो आप यहाँ पे 9 डिजिट्स लिखिए, अगर आपके 10 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर है तो आप यहाँ पे 10 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना होगा। प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट करना है और आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन आप इस पेज पे कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं या फिर पीसी, लैपटॉप कैसे भी चेक कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल का होम पेज ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा इग्नू असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस। सो फर्स्ट वाला जो लिंक दिया रहेगा इग्नू असाइनमेंट स्टेटस, आप इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इजीली चेक कर पाएंगे। दोस्तों, अभी आप ये चेक कर लीजिए, ये एक स्टूडेंट है BAG के, जिन्होंने यहाँ पे जून 2020 सेशन के लिए अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाए थे, जिनके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं 12th अक्टूबर, 14th, 14th, 12th, 30th सितंबर, 8th अक्टूबर एंड 22nd अक्टूबर, मतलब 22 अक्टूबर को भी आपके असाइनमेंट के सबमिशन स्टेटस को अपडेट किया गया है। इसके अलावा एक और ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कि असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को यहाँ पे पहले भी अपडेट किया गया है और लेटेस्ट 22 अक्टूबर को भी अपडेट किया गया है। अभी दोस्तों, वीडियो को मैंने बड़ी अपडेट क्यों कहा है, इसके लिए भी आप एक बार यहाँ पे इस स्टूडेंट का सबमिशन स्टेटस चेक कर लीजिए। इनके 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें कि 22 अक्टूबर को ही अपडेट किया गया है। ऐसे दोस्तों, आप भी अपना एक बार सबमिशन का स्टेटस चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को भी अभी लेटेस्ट 22 अक्टूबर को ही अपडेट कर दिया गया हो। सो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि आप अपना असाइनमेंट का सबमिशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे और लेटेस्ट यहाँ पे इसे 22 अक्टूबर को अपडेट किया गया है। अभी ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कि यहाँ पे जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपने असाइनमेंट जमा करवाए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं FST 01 जून 2020 सेशन रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, इनका स्टेटस यहाँ पे 12 अक्टूबर को अपडेट किया गया था। और दोस्तों, इसी स्टूडेंट का अभी मैं आपको ग्रेड कार्ड चेक करवा देता हूँ। आप यहां पे देख सकते हैं इनके FST 01 के असाइनमेंट के मार्क्स को इनके ग्रेड कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया। दोस्तों, अभी यहां पे नोट कम्प्लीटेड लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अभी तक थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं दिया। जैसे ही ये अपने थ्योरी के एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद में उसमें पास हो जाएंगे तो यहाँ पर कम्प्लीटेड का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जैसे कि उसके ऊपर FHS है, उसमें ये थ्योरी में फेल हैं, इस वजह से यहाँ पर नोट कम्प्लीटेड लिखा हुआ है। दोस्तों, अभी एक दूसरे स्टूडेंट का सबमिशन स्टेटस चेक कर लीजिए। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं, 5 से 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका इन्होंने जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए असाइनमेंट सबमिट किया था और इनको यहाँ पे 12th अक्टूबर या फिर 14th अक्टूबर को अपडेट किया गया है। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को अभी तक ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं किया गया।
इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स को ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया, MPSC 01, MPSC 06, MPSC 09। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को भी आपके अगले ग्रेड कार्ड की अपडेट में अपडेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी आपका ग्रेड कार्ड अपडेट किया जाता है उसका लेटेस्ट स्टेटस चेक करने के लिए आप अपना जब ग्रेड कार्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं करंट ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन October 14th, 2020। मतलब 14th अक्टूबर को ये लेटेस्ट अपडेट किया गया था, उसके बाद में आपके ग्रेड कार्ड को अपडेट नहीं किया गया। दोस्तों, यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2019 में एडमिशन करवाया था BAG, BCOM G, BSc G प्रोग्राम्स वाले, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार अभी अपना ग्रेड कार्ड चेक ना करें, क्योंकि इग्नू की तरफ से ग्रेड कार्ड वाला जो पेज है उसे अभी तक अपडेट नहीं किया गया। एक बार उस पेज को अपडेट किया जाएगा उसके बाद में आपका जो प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पे शो करेगा और उस वक्त आप अपना असाइनमेंट का मार्क्स चेक कर पाएंगे। दोस्तों, एक तीसरे स्टूडेंट का भी यहाँ पे मैं आपको सबमिशन स्टेटस दिखाना चाहूँगा, जिनका सबमिशन स्टेटस भी यहाँ पे अपडेट किया गया है और साथ ही इनके मार्क्स को इनके ग्रेड कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें यहाँ पे अपडेट किया गया है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना ग्रेड कार्ड कैसे चेक करेंगे। ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए आप सिंपली या तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in ओपन कर लीजिए। यहाँ पे रिजल्ट्स को क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेड कार्ड, आप इसे क्लिक करके और यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में आपका ग्रेड कार्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। या फिर आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए यहाँ पे अलर्ट्स में एक लिंक दिया हुआ है, इग्नू डिक्लेयर्स टर्म एंड रिजल्ट एंड ग्रेड कार्ड फॉर जून 2020। आप इसे क्लिक करके आपका जो रिजल्ट वाला पेज है इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे भी दोस्तों यही तीनों लिंक फिर से दिए हुए हैं, या तो आप वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इस पेज के थ्रू भी आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं BAG, BCOM G, BSc G प्रोग्राम्स वाले, आप अपना ग्रेड कार्ड अभी चेक ना करें, आपके ग्रेड कार्ड को अभी तक अपडेट नहीं किया गया। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका सबमिशन स्टेटस 14th अक्टूबर से पहले अपडेट किया गया है तो आप अपना एक बार ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स को आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया हो। अगर अभी तक अपडेट नहीं किया गया है तो जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें आपके मार्क्स को आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप में से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाए। अगर दोस्तों आपके असाइनमेंट्स अभी तक कोई भी पेंडिंग में है, अगर आपके सबमिशन स्टेटस को 25 अक्टूबर तक अपडेट नहीं किया जाता है तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट फिर से जमा करवा दीजिए। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए फ़िलहाल 31 अक्टूबर की लास्ट डेट दी गई है, हो सकता है कि इसे बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।